परेशानी कोई एक हो तो बताएं। सड़कें नहीं, खेती के लिए पानी नहीं और बिजली के लिए तो गांव तरसता ही रह गया। दिल तो तब कचोटता है जब बिजली ना होने से कई मौके पर शादी ब्याह के रिश्ते तक टूट जाते हैं। बेटे की शादी भी हो गई तो दामाद आना नहीं चाहते और बेटों की शादी के लिए जल्दी कोई लड़की देना नहीं चाहता। और करीब 2 साल से गाँव में एक भी डोली नहीं उठी। एक बार में ये सब बोलकर एक युवक खामोश हो जाता है। यह कहानी है टोडरपुर विकास खंड की ग्राम सभा काजी बाड़ा की। आखिर अधिकारियों और नेताओं के झूठे वादों से परेशान होकर एक युवक रियाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर टैग करके लिखा है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही, आप विकास करा दीजिए, शादी हो जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए विकास कार्य कराए जाने की मांग की। हालांकि सीडीओ ने मामले की जाँच कराए जाने के बाद आदेश बीडीओ टोडरपुर को दे दिए हैं। टोडरपुर विकास खंड की ग्राम सभा काजीबाड़ा ग्राम सभा में जब हम उबड़ खाबड़ पथरीलों रास्तों से होकर गांव पहुंचे तो हमारी मुलाकात कई युवकों से हुई जिनका दर्द था कि करीब 2000 से अधिक आबादी वाले इस गांव में रोजी रोटी का संकट है और बड़ी परेशानी का सबब है बिजली। सड़कें, गांव के किसी घर में टीवी तक नहीं है। सांझ ढलते ही पूरा गाँव वीरान हो जाता है। चिंता इस बात की है कि बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। यहाँ लोग सवाल पूछते हैं, वे जानना चाहते हैं कि सरकार और मुलाजिम दम भरते हैं कि राज्य में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है तो वह पहिया गांव में क्यों नहीं पहुंचा। वहीं बिजली ना होने से क्या शादी के रिश्ते भी टूट जाते हैं। इस सवाल पर रियाज अपने एक मित्र के बारे में बताने लगे जिनकी शादी की सारी बात पक्की हो गई थी। लड़की के भाई जब गांव आए तो बिजली और गांव की तालाब बनी सड़क का हाल देखकर रिश्ते से मना कर दिया। महिलाएं भी क्या कहती हैं, डिबरी युग में जीना ही हमारा नसीब है, बिजली के बिना हम मानो जंगली ही रह गए हैं। जब विकास की बात होती है तो गांव और शहर दोनों के विकास के दावे किए जाते हैं, पर हकीकत यह है कि विकास की दौड़ में गांव हमेशा पीछे रह जाते हैं और शहरों में सुविधा का जाल बिछ जाता है। गाँव अपनी धीमी गति के साथ ऊँग रहे होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा सा पसरा रहता है। शहर में विकास की गतिविधियाँ चलती हैं तो गाँव धीरे धीरे अपनी पारंपरिक स्वरूप खोने लगता है। आज़ादी के बाद विकास की जो संकल्पना की गई थी उसमें रोजगार के अवसरों के विकेंद्रीकरण का विचार प्रमुख था। उद्योग धंधे केवल महानगरों तक सीमित ना हो, उन्हें दूर दराज के इलाकों में स्थापित किया जाए ताकि उन इलाकों तक सड़कें पहुंच सके, शिक्षा की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके, स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में भागना ना पड़े। मगर यह विचार फलवित नहीं हो सका। ग्राम पंचायत को देश की रीढ़ माना जाता है और देश के विकास का रास्ता भी गाँव की गलियों से ही होकर गुजरता है। अगर देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले गाँव का विकास जरूरी है और गाँव का विकास ग्राम पंचायत की जागरूकता के बिना संभव नहीं है। लेकिन गांव की तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ कागजों में ही गांव का मौसम गुलाबी है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में भी अपनी हक की गुहार लगाई। हालांकि सीडीओ आनंद कुमार का कहना है कि वे इस मामले की जांच कराएंगे और विकास की योजनाओं से गांव को संतर्क कराया जाएगा। ये गांव गाजीवाड़ी के लोगों ने इस आशय का प्रश्न नंबर दिया है, इसकी जाँच कराई जा रही है। जाँच उपरांत यहाँ का जो भी आवश्यक विकास कार्य है वो कराए जाएंगे। पहले जाँच कराई जाए इनके बाद में किस किस क्षेत्र में विकास नहीं हो उसका निश्चित रूप से विकास। ग्राम काजीवाड़ी उस बेटा गोकुल पैदल आवास से आया हूँ और मेरे गांव में काफ़ी दिक्कत हो रही है और मेरी शादी लायक उम्र भी हो गई। कई शादियाँ आती हैं तो लोग जो कहते हैं कि हमारी लड़की यहाँ कैसे जाएगी। पहली बात तो गांव में कोई विकास नहीं, कोई शौचालय नहीं, ना कोटा मिलता है, ना लाइट तो हमने देखी नहीं कैसी होती है। अच्छा, शिकायत की किसी से आपने? शिकायत हम 3-4 बार यहाँ आ चुके हैं, 3 दिन से लगातार यहाँ भी आ रहे हैं। करीब 2-3 साल हमारे पास जमा है मालिक, यहाँ कोई ललाट बनाई भी है, बत्ती भी नहीं है, कोई लेटरिन नहीं है, यहाँ कोई रोड नहीं है या कोटा नहीं मिल रहा है, या सभी परेशानियाँ, सब लेटरिन सब हार जाती हैं, यहाँ कोई विकास भी नहीं है।